नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये नोटिस जो जबलपुर से रिलीज़ की गई है, वो 14/6/2021 को रिलीज़ की गई है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से रिलेटेड ये नोटिस है। और नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जो मेरिट लिस्ट में जिनका नहीं हो पाया किसी कारणवश, या तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं हो पाया, या फिर उन लोग मतलब जो कैंडिडेट थे वो समय पर कॉलेज पहुंच करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, या अन्य और किसी कारण वजह से उनका जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो जो रिक्त पद थे उन रिक्त पदों पर दोबारा से सिलेक्शन होगा। मतलब ये है कि रिक्त पद रिक्त तो नहीं रख सकते ना, उनको भरना तो आवश्यक होगा, इसीलिए उन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु फिर से वेटिंग लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम था उनका नाम अब सिलेक्ट कैंडिडेट में आ चुका है। ठीक है, मतलब ये है कि जो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट थे अभी हम वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन हो चुका है। अभी हमको देखना ये है कि वेटिंग लिस्ट कहाँ तक क्लियर हुई है, कहाँ की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन आया है 14 जून 2021, ठीक है, आज का ये। अब हम पढ़ लेंगे नोटिस इम्पोर्टेंट ढंग से। ठीक है, आपको वीडियो को इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। ठीक है, तो वीडियो में दिया गया है, मतलब वीडियो में नहीं नोटिफिकेशन में दिया गया है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित समूह 5 के अंतर्गत, मतलब ग्रुप 5 के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट एवं अन्य समकक्ष जो पद थे उनकी जो संयुक्त परीक्षा जो 2020 की हुई थी, है ना, उसका जो परिणाम जो 12 मई 2021 को आया हुआ था, परीक्षा परिणाम उपरांत प्रवीणता सूची में रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने के उपरांत शेष रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों की सूची निम्नानुसार है। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका मतलब साफ साफ मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम जो मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आया था, ठीक है, जिन अभ्यर्थियों का नाम आया था वो किसी कारणवश से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आई हो, या फिर अन्य किसी और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो रिक्त पद थे उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। वेटिंग लिस्ट मतलब 100% क्लियर कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिन जो वेटिंग पर जिनका नाम दिखाई दे रहा था उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब हम चलते हैं लेब अटेंडेंट में कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लेब अटेंडेंट में अनुज राही मेल एससी कैटेगरी बता दी जा रही है आपको। ठीक है, इनका क्लियर हो चुका है। ठीक है, आचल सिंह इनका क्लियर हो गया है, अक्षत गुप्ता इनका क्लियर हो चुका है, ब्रांदेश शर्मा इनका क्लियर हो चुका है, प्रभात शर्मा इनका क्लियर हो चुका है, रंजीत त्रिपति इनका क्लियर हो चुका है। मतलब ये है कि इस लेब अटेंडेंट, देखिए आप यहाँ पर कितने 13 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नाम शो कर रहा है, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसकी और ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं हाँ इसकी एक बात और है कि इस जो इसके ऊपर जो वीडियो बन रहा है इस पीडीएफ को मैं कमेंट बॉक्स में जाके पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके सबसे ऊपर में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 101% सिलेक्शन हो चुका है, मात्र इनको जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब मैं ये भी बता दूंगा इसके बाद में कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपको, उनकी छायाप्रति आपको ले जा लेनी होगी। ठीक है, आप ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले ली होगी। उसके बाद हम बात करें ओटी अटेंडेंट में 3 कैंडिडेट्स के नाम हैं, रजनीकांत रोहित, मोहम्मद शावन और है अमन लावनिया। ठीक है, इन 3 कैंडिडेट, एक एससी से है रजनीकांत, एससी कैटेगरी से है, मेल है तीनों कैंडिडेट, मोहम्मद शावन है ओबीसी कैटेगरी से है। उसके बाद हम बात करें अमन लावनिया की, ये जनरल कैटेगरी से। ठीक है, ओटी अटेंडेंट में 3 कैंडिडेट और लेब अटेंडेंट में 13 कैंडिडेट। ओके, और नीचे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये भी बता दूंगा। देखो यहाँ पर दिया गया हुआ है, समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड पेज में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पर समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, ये 101%
है कि आपको जाकर मात्र इस लिस्ट में जिस स्टूडेंट अभ्यर्थियों का नाम है उनको केवल जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। समस्त यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लीजिए आप, समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं, अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित होकर मूल दस्तावेज का सत्यापन करवाकर दिनांक 23 जून तक कार्यभार ग्रहण करें। देखिए आप, ठीक है, ये आपके सामने नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं किसकी, परीक्षा प्रवेश पत्र, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्वयं की दो फोटो जैसे कि प्रवेश पत्र में लगी हुई थी, जो हम एग्ज़ाम देने गए थे एडमिट कार्ड में जो फोटो लगी हुई थी वो, और अपने को प्रवेश परीक्षा पत्र मतलब एडमिट कार्ड चाहिए, स्वयं की दो फोटो चाहिए जो एडमिट कार्ड में लगी हुई थी, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र, ठीक है, मार्कशीट चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर से EWS है तो उसका प्रमाण पत्र अगर से लागू है तो वो चाहिए आपको, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संबंधित पदों हेतु निर्धारित योग्यता का प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट, मतलब अगर से लेब अटेंडेंट के लिए जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री जो होती है अपने पास में, जो कोर्स हमने किए हैं उसकी जो उसका जो प्रमाण पत्र होता है वो प्रमाण पत्र की मार्कशीट लगेगी आपको, ओरिजिनल लेना है, उसकी छायापत्र तो सबके लिए सभी के लेना है, ठीक है। मध्य प्रदेश सातवें नंबर पे दिया है, मध्य प्रदेश चिकित्सीय काउंसिल की जीवित पंजीयन जहाँ आवश्यक है वहीं पर देना, ठीक है। उसके बाद बात करें 8 नंबर पे, विधवा परिपक्वता या तलाकशुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ पत्र, शपथ पत्र लगेगा आपको अगर से आप इन तीनों में से एक है, तलाकशुदा है, परित्यक्त है या फिर विधवा है। और 9वीं नंबर की हम बात करें तो दिनांक 26/1/2001 के बाद दो से अधिक संतान न होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र की 2001 के बाद में 26 जनवरी 2001 के बाद में जो शादीशुदा है उनके जो बच्चे हैं वो दो से अधिक नहीं होना चाहिए, इसके लिए अपने को शादीशुदा लोगों के लिए शपथ पत्र ले जाना होगा, ठीक है। 10वें नंबर की हम बात करें, शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर की बात करें, भूतपूर्व सैनिक होने का समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद 12वें नंबर की बात करें तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी परिणाम, परीक्षा का जो परिणाम हुआ था रिजल्ट आई है तो उसका आपको छायाप्रति डाउनलोड मतलब छायाप्रति और ओरिजिनल दोनों ले जाना होगा, ठीक है। ये हो गए आपके, मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक करवाना है, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर से पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि ये जो स्टूडेंट है OT अटेंडेंट के 3 स्टूडेंट है, लेब अटेंडेंट के 13 स्टूडेंट हैं, इसका किसी कारणवश सिलेक्शन हो जाए, एक मत मेरे कहने का मतलब है कि इनका किसी भी कारण से सिलेक्शन ना रुके, इसलिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्त भाई बहन जो भी हो जिनका जिनने ग्रुप 5 की एग्ज़ाम दी थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डेली अपडेट पाने के लिए और भी हमारे मध्य प्रदेश के अदर ऐसे ज़िले हैं जिनके अभी रिजल्ट वेटिंग लिस्ट क्लियर होने को है, विदिशा हो गया, ठीक है, रतलाम हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जो भी है इनके जो भी अपडेट आपको हमको मिलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।